रानी नहीं है तो क्या हुआ, ये बादशाह आज भी लाखों दिलों पर राज करता है। मेरे डबुवती भोसले काली कार है, डबुवती भोसले कार, मेरे डबुवती भोसले काली कार, बैठे कार विच मेरे चुनु में जे यार। इस जीजे को डॉग उपाशो होदा सपूत हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं 65 लेवल वाले आईडी में, और भाई आज हम आपके लिए ले आ चुके हैं एक मस्त वाला आईडी। तो गाइस, इसका एंट्री ही तो बहुत ही खतरनाक था। चलो यार भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये वाला आईडी भाई, ये जिनका है उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे बंदे हैं जिन्होंने हमें ट्रस्ट करके भाई आईडी दिया है। ठीक है, तो चलो यार गाइस, हम लोग काम की बात पे आते हैं। और भाई हम लोग वंडल की तरफ देखते हैं। तो भाई टोटल देखो 238 भाई, समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा टॉप जो है हम लोग का 238 बंडल से टोटल। ठीक है गाइस, तो भाई पहला ड्रेस कॉम्बिनेशन देख लो गाइस, कैसा लग रहा है गाइस। भाई लोग ये देखो, हमारा सूरज भाई ने बनाया है ड्रेस कॉम्बिनेशन। तो हमारा पहला बंडल आ चुका है बैंडिट वाला बंडल, जो अमित भाई पहन के खेलते हैं। उसके बाद ये बिनिकॉन वाला बंडल गाइस, उसके बाद देख सकते हो ये भाई सस्ता भाई, क्या बोलेंगे, ब्लैक टी शर्ट आप इसको बोल सकते हो यार, बहुत ही अच्छा कूल लुक लग रहा है भाई इसको, क्या ही बोलेंगे। ये यंग स्टार वाला बंडल भाई, क्या ही खतरनाक लग रहा था भाई, देखो ना ड्रेस कॉम्बिनेशन क्या ही, मतलब आजकल के लड़के भाई हेयर स्टाइल भी इसका सूट कर रहा है एकदम। ये वाला ड्रेस कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको मतलब ये आईडी लेनी है, या फिर आपको परचेस करनी है, या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज करना भाई बॉट सूरज 00। हमारे यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होता भाई, अपन पूरा 100% जेन्युइन है भाई, समझ रहे हो ना गाइस, हम लोग रियल वाले हैं, हम लोग फेक वाला काम नहीं करते। तो यार बंडल वगैरह आप लोग देख सकते हो यार, एसके समीर वाला भाई का बंडल था वो भी पार हो गया। आगे देख सकते हो यार, आगे हमारा स्टील काउबॉय वाला बंडल है। उसके बाद हमारा ये फ्री फायर मैक्स वाला बंडल आ चुका है। उसके बाद ये ब्रिजिंग स्क्रू भाई, ये वाला इलाइट पास का बंडल है। तो भाई भाई के पास पुराने इलाइट पास के भी बंडल हैं, और भाई न्यू वाले भी कुछ कुछ बंडल है। तो गाइस कलेक्शन में कोई कमी नहीं है, तो भाई लोग दिल थाम के बैठो। और ये देखो बायोफोज वाला बंडल, भाई साहब क्या बात है। आगे बढ़ते हैं तो भाई रकून राशकल वाला बंडल मिलता है भाई, इसका भी हमने ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के दिया है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप नीचे जाके भाई देख सकते हो बोट सूरज वाले चैनल पे। तो भाई रोकर स्टड वाला बंडल पार हो चुका है। उसके बाद हमारा ये देखो टेडी वाला बंडल आ गया है। उसके बाद देखो गाइस, ये वाला रेयर बंडल है, इंक्लूएटर में आया था भाई, इसको याद है ना, सबको फ्री में मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था इंक्लूएटर, बाद में सब गिनने वाले ने वापस ले लिया, बाद में खरीदना पड़ा था। ठीक है गाइस, तो भाई ऐसा ही सिस्टम है। तो भाई ने भी वो परचेस करके रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, और भाई देख सकते हो ये वाला भाई क्या ड्रेस है भाई, सब पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। तो आगे बढ़ते ये देखो भाई, वेन बॉन्ड भाई, क्या नाम है, वेगा बॉन्ड भाई, सब नाम देख रहे हो ना भाई। इसके बाद ये नट क्रेकर वाला टॉप है, देख रहे हो गाइस बंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो भाई देखो ये आर्म म्यूटेड वाला बंडल है। उसके बाद हमारा ये बबल वाला बंडल है। उसके बाद आगे बढ़ते हो देखो, ये मास्टर ऑफ डेथ आ चुका है गाइस। फिर आगे बढ़े तो गाइस देख सकते हो ये वाला, देखो ये डांसर वाला बंडल, बुलेट डांसर भाई, मुझे लगता है ये मिस्ट्री शॉप में आया था या फिर गोल्ड रॉयल में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, और गाइस आगे देख सकते हो गाइस, भाई लोग ये बात, हमारा देखो आ चुका है भाई जोकर वाला बंडल क्लोन भाई, समझ रहे हो ना। तो भाई बहुत सारे बंडल है, हीरोज के रैंक टी शर्ट वगैरह भी है। तो भाई ये डीजे आलोक वाला फ्री में मिला था, ये कैनवस वाला गोल्ड रॉयल में आया था भाई। इतने सारे कलेक्शन ना कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, रोज़ खेल खेल के भाई कलेक्शन कलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही नहीं बनते कलेक्शन। ठीक है गाइस, भाई ने 3-4 साल भाई बड़ी मेहनत करके कलेक्शन बनाया होगा। तो आगे बढ़ते हैं देखो, बार टेंडर वाला बंडल पार हो गया। उसके बाद बहुत सारे बंडल है, ये देखो कोबाल्ट एथलीट वाला बंडल, इसका मास्क पहनो भाई, हर बंडल के साथ सूट करेगा। आप अगर मास्क के दीवाने हो तो भाई ये वाला बंडल आपके पास होगा ना भाई, मास्क बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग भाई अभी रुको जरा, अभी कहाँ भाई, अभी ख़त्म काम हुआ है भाई। ये देखो हिटमैन वाला बंडल, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो भाई फोर्स्टी बोश वाला बंडल भाई, इसका भी आप, मैं बार बार बोलता हूँ यार, इसका बॉडी एंड हेयर स्टाइल बहुत ही यूज़ करते हैं बहुत लोग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यार गैंगस्टर वाला बंडल, इसका देखो चश्मा भाई, क्या ही ओपी खतरनाक चश्मा है भाई, इसका चश्मा यूज़ करो, बहुत ही मस्त लगता है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, और भाई हमारे देखो ये हीरो का रैंक, सीएस का शायद, ये सीएस का रैंक टी शर्ट है भाई। उसके बाद ये देखो समर, रेनबो समर वाला भाई, रेनबो समर का बंडल है भाई, मतलब ये सारे बंडल ना हर किसी के पास नहीं होते भाई, जो हर इवेंट में मतलब एक्टिव रहता है उसी के पास होते हैं।
वो भाई ये ब्लू ब्लास्टर भाई बहुत दिनों के बाद देखा यार मैंने क्रिकेटर वाला बंडल, तो भाई जो क्रिकेट लवर है भाई ये वाला बंडल उनके लिए तो बेस्ट है, पहन के खेलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं गाइस और क्या क्या बंडल है भाई के पास। ये मोटरसाइकिल वाला बंडल भी बहुत है, बहुत पुराना है भाई। ये क्या आर्मी वाला बंडल भाई, कमांडो वाला बंडल था वो। ये देखो ये गाइस देखो ये मोटरसाइकिल वाला बंडल भाई, राइडर वाला, तो भाई वो भी बहुत पुराना है, ठीक है। और ये बॉडी देख रहो, ये बॉडी पहन के हर बंदा पहले खेलता था, आजकल चेंज हो रहा है ना भाई। ये देखो आगे आ चुका भाई, ये क्या बोलते हैं स्केलेटन वाला बंडल आ गया था। उसके बाद भाई ये देखो टी शर्ट वगैरह है बहुत सारे। तो भाई लगभग ड्रेस कॉम्बिनेशन ख़त्म हो चुका है भाई, जितने भी बंडल थे हमने देख लिया। तो बाकी टी शर्ट वगैरह देख सकते हो आप, अगर आप जिसको जो पसंद है भाई वो पहन के खेल सकता है। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई, दस जो बंडल है भाई अनक्लेम है, ठीक है। ये बंडल ना क्या है भाई इसको भी देख लेंगे पहले। ये देखो भाई ये टेडी वाला है, ये डांसर, ये सब तो है भाई, कोई बात नहीं। तो चलो यार गाइस ये बंडल तो सारे हैं भाई जो क्लेम करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग भाई देखते हैं ना यार वेपन कलेक्शन देखते हैं इसमें क्या है। तो हम लोग चलो यार वेपन कलेक्शन की ओर चलते हैं। तो हमारा वेपन कलेक्शन की बात करें ईवो गन में, तो भाई भाई के पास देखो ये स्कॉर्पियो शटर वाला भाई ईवो गन है जो M10 है, ठीक है, वो भी थर्ड लेवल की भाई, खतरनाक। तो चलो यार भाई ईवो गन एक ही है भाई के पास, वो भी M10 है, थर्ड लेवल की ईवो गन है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉर्मल वेपन की देखते हैं भाई। तो नॉर्मल वेपन की बात करें तो M41 की 3 स्किन है, उसके बाद AK नो स्किन है जिसमें से भाई विंटर आइसलैंड वाला इसका परमानेंट है, ठीक है। स्कार की बात करें तो भाई ये एशेशियन भाई पेंथम एशेशियन स्कार परमानेंट है। उसके बाद ग्रोजा की बात करें तो वो भी अच्छी स्किन है भाई। ये देखो भाई मतलब मून वाला भाई फामस भाई परमानेंट है। उसके बाद प्लाज्मा, फिर अग, फारफल भाई, देखो सबके तीन तीन चार चार ऐसे करके स्किन है, ठीक है। किंगफिशर के 2 है, G36 के 2 स्किन है। तो आगे बढ़े तो बात करें भाई SKS वगैरह के, देखो 6 स्किन है, SVD के 1 है, वुडविगर के 4 है, और भाई AC-80 के भाई 2 की 4 है, ठीक है। तो M60 वगैरह का देख सकते हो भाई साहब। ये देखो भाई आया ना UMP भाई, पेपर कट वाला UMP है, देख रहे हो जेबरा पेपर कट। उसके बाद MP5 के बारे में तो 6 स्किन है भाई के पास। आगे बढ़ते हैं और भाई लाइटनिंग स्ट्राइक देख सकते हो गाइस। MP40 की बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक MP40 है, लेजेंडरी वाला। और आगे बढ़ते भाई थम्सन के अभी लेजेंडरी वाले गन है, और भाई देखो विक्टर के भी गन है भाई। मतलब हर गन की स्किन भाई, गन स्किन भी बहुत ही तगड़ा है भाई। ड्रेस कॉम्बिनेशन कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था, बोले तो उतना ख़राब भी नहीं बोल सकते, बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद M10 की बात करो तो भाई M10 तो आपने देख ही लिया, स्कॉर्पियो वाला। उसके बाद आगे बढ़ते देखो ये सब लाइटनिंग भाई क्या वाला, इलेक्ट्रीफाइंग वाला, क्या क्या भाई नाम इसके पढ़ नहीं पाता हूँ यार मैं भाई, बहुत सारा M10 है, मतलब 5 है। उसके बाद देखो दो नली की बात करो तो भाई एक ही है जो फ्री में मिल रही थी, जो मिशन कंप्लीट करने के बाद मिल रही थी। तो फिस्ट वगैरह भी देख लेते अगर है के पास, नहीं भाई फिस्ट नहीं है भाई के पास, तो ग्रेनेड देख लेंगे भाई। ग्लूबल भाई 10 ग्लूबल है यार अभी तक का भाई, सबसे ज़्यादा ग्लूबल देखो ये रेयर वाला ग्लूबल है भाई के पास, बहुत ही टॉप अप वाला ग्लूबल सब है, रेयर रेयर, ठीक है। तो बहुत सारे रेयर आइटम हमने देख लिए गाइस। तो आगे बढ़ते इमोट भी देख ले भाई। इमोट देखने से पहले ये देखो 40 इमोट है गाइस, गाइस मतलब 40 इमोट है भाई के पास, मतलब इतना सारा इमोट कलेक्शन। तो चलो यार हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो भाई हम लोग ID में मतलब इतना तो देख ही लिया आपने, तो प्राइस वगैरह आप मतलब बिल्कुल भी मत पूछना क्यों यहाँ पे, क्योंकि भाई सब प्राइस वगैरह सब कुछ भाई इंस्टाग्राम में बताऊंगा भाई। आप बोट सूरज 00 पे मैसेज करो गाइस, वहाँ पे सब कुछ बात होगा, ठीक है। इधर भाई अगर ज़्यादा बोलेंगे तो यार हमारे ऊपर मतलब स्ट्राइक लग जाता, समझ रहे हो। तो भाई लोल इमोट जिसको पसंद है भाई, लोल इमोट भी है इस ID में, लोल इमोट है, ठीक है। अभी रेयर होते जा रहा भाई सब कुछ, समझ रहे हो ना। तो इतना सारा इमोट हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद देखो भाई ये गोलियाँ चलाएंगे। सॉरी ऐसा कुछ नहीं बोलना, नहीं तो YouTube वाले बहुत प्यार देते हैं हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और भाई देखो ये स्केटिंग कर रहा भाई बंदा। आगे भाई डांस पे डांस, कलेक्शन पे कलेक्शन भाई, इतना सारा भयंकर कलेक्शन देखने के बाद आप लोग का मन में क्या लग रहा है। अगर आप ID का परचेस करना चाहते हो तो प्लीज़ भाई हमारा इधर कोई भी स्कैम वगैरह नहीं होता है, 100% जेन्युइन मतलब जेन्युइन ID सेलर है, ठीक है। तो आप हमको ट्रस्ट करो भाई, खुले वीडियो में बोल रहा हूँ, हम मतलब हमको ट्रस्ट करो, हम आपको ट्रस्ट देंगे, मतलब 100% मेरा रिस्क में रहेगा भाई, कोई भी स्कैम नहीं होगा। और जो स्कैम करेगा भाई उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इतना पहले बता रहे वीडियो में खुल के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देख सकते हो गाइस क्या बात है, मज़ा आ गया भाई साहब। इतना सारा जो भाई जो हमारे साथ गलत करेगा ना भाई, हम लोग उसके साथ भी बहुत भयंकर करेंगे, इतना जान लेना। तो चलो यार हम लोग इमोट वगैरह देख लेते भाई, ये बैटल इन स्टाइल। उसके बाद हमारा ये क्या इलाइट पास के भी बहुत सारे इमोट है, देख रहे हो भाई द वर्कर। उसके बाद ये देखो ग्रीटिंग्स वाला, उसके बाद देख सकते हो गाइस ये
फैंसी हैंड भाई, मतलब ये ऐप फ्री में नहीं मिले भाई, ये इलाइट पास के इमोट्स है, आप लोग भाई समझ सकते हो इलाइट पास में मिलते हैं। सोल शेकिंग, उसके बाद गाइज आ चुका है ये देखो शेक इट अप भाई, मतलब इतने मतलब भयंकर भयंकर इमोट भाई, मतलब ये जिनके पास इलाइट पास है उन्हीं के पास होंगे भाई, ये रेयर इमोट है, ऐसे ही नहीं मिलता है ठीक है। इसके बाद डेंजरियस गेम भाई, क्या बात। तो हम लोग का लगभग इमोट कलेक्शन ख़त्म होने वाला है, तो भाई हम लोग इन एनिमेशन वाला देख सकते हो भाई, इसमें एक एनिमेशन भी है भाई ने जो परचेस करके रखा है, तो स्पेशली भाई ने देखो ये वाला बोला, एंट्री टाइम में जब आप किसी के लॉबी में जाओगे तो भाई खतरनाक लगेगा यार, तो ये वाला एनिमेशन दिखाने बोला। तो बैकपैक वगैरह आप लोग देख लो यार, लूट बॉक्स 43 बैकपैक ऐसे कुछ है ठीक है। तो यार कार वगैरह भी कलेक्शन, गाड़ी देख सकते हो, तो भाई ने बोला, मतलब बहुत सारे बंदे कमेंट करते बोलते हैं कि भाई आप गाड़ियाँ नहीं दिखाते हो, तो भाई देख लो गाड़ी और अदर्स में भी देख लो भाई, 6 स्टोन है भाई के पास, इतने सारे भाई मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट है और भाई टोकन वगैरह सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।